दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुरल मछली, जिसे सोल और गरई के भी नाम से हमारे भारत में जाना जाता है, वह कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है। अगर हम मुरल मछली का पालन करते हैं IMC या कार्प के साथ, या सिर्फ मुरल मछली का ही पालन करना चाहते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका ग्रोथ कैसा रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा कि मुरल मछली कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है, और कितने बड़े तालाब में और किन किन मछलियों के साथ इसका पालन हम कर सकते हैं, और इसका बाज़ार में हमें क्या प्राइस मिलेगा, और नेटिंग करते समय हमें किस बात की ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप IMC या किसी भी कैटफिश का पालन कर रहे हैं हाइब्रिड मांगुर को छोड़कर, तो आप उसके साथ मुरल मछली यानी गरई और सोल, जिसका एक ही नाम है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं। IMC के भी साथ इसका पालन कर सकते हैं। जो फीड आप IMC को देंगे वो फीड ये खाएगी, जो फीड आप कार्प को देंगे वो फीड ये खाएगी, जो फीड आप कैटफिश जैसे पंगेशियस को देंगे वो फीड ये खाएगी। तो अगर अच्छा से अगर आप सिर्फ IMC को और कार्प को ही फीडिंग कर रहे हैं, तो जो इसका रेस्ट बच जाता है, भोजन जो नहीं खा पाती है, वह नीचे तली में रह जाता है, उसे मुरल मछली खाती है। तो मुरल मछली 8 से 10 महीनों में 1 केजी की हो जाती है। अगर आप सिर्फ IMC और कार्प को अच्छा से फीडिंग कीजिए, और एक तरह से मानिए कि हम मुरल को भी फीडिंग कर रहे हैं। विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि अच्छे से फीडिंग आप कार्प को और IMC को करेंगे, तो मुरल मछली भी साथ साथ ग्रो कर जाएगा। क्योंकि 100% फीडिंग करते हैं तो 100% का 100% भोजन IMC और कार्प नहीं खाती है, जो रेस्ट बच जाता है वो मुरल भी खाएगी। तो आपकी मुरल मछली 1 केजी आराम से 7 से 8 या 10 महीने तक हो जाएगी। अगर आप ऐसे जगह से हैं जहाँ बर्मी कंपोस्ट ये सब बनता हो आसपास में, तो वहाँ से आप केचुआ ले सकते हैं और उसे तालाब में डाल सकते हैं। केचुआ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर ये आप करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा मुरल का। ऐसे करने पर 6 से 7 महीनों में मुरल 1 केजी की हो जाती है। अब बात करते हैं कि मुरल का रेट कैसा मिलता है। तो मुरल मछली का रेट अगर 1 केजी का है तो आपको 600 रुपया पर केजी आराम से मिल जाएगा। अगर बहुत कम भी मिला तो आपको 400 रुपये पर केजी मिल जाएगा। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि यह साल में 2 बार ब्रीडिंग भी करती है। यानी मुरल मछली साल में 2 बार आपकी बच्चा भी देती है, जिससे आपको इसकी सीड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साल में 2 बार ये बच्चे भी देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे देते हैं। तो आपको इसकी सीड और फीड की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। 2-3 1-1 केजी का या आधा-आधा केजी का मुरल डाल दीजिए तो वही बहुत हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग के समय आपको ध्यान रखना है कि पानी एकदम कम करके, मतलब 2-3 फीट पानी कम करके आपको हार्वेस्टिंग करना है। यानी आपको अपने तालाब में 2 फीट पानी रखना है जब आप हार्वेस्टिंग करें मुरल मछली का। तो दोस्तों ये था मुरल मछली से रिलेटेड कुछ जानकारी कि मुरल मछली कितने दिन में 1 केजी की हो जाती है, और कुछ विशेष बातें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।